आम का अचार हो या नींबू का अचार या फिर गाजर या हरी मिर्ची का अचार, इस रेसिपी के आगे ना आपको ये सब फीके लगने लगेंगे। इसके साथ तो अगर आप सादी रोटी खाएंगे ना तो उसका स्वाद भी डबल हो जाता है। इतनी चटपटी और मजेदार रेसिपी है फ्रेंड्स, तो चलिए बनाते हैं। ये झटपट भी बन जाती है और जो घर के मसाले हैं ना उनसे ही बन जाएगी, कोई तामझाम हमको लाना नहीं है, बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं ये चटपटी मजेदार रेसिपी, जिसे बच्चों से लेके बड़े तक सभी इसे बड़े शौक से खाएंगे। तो इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मैंने ये चार आलू लिए हैं, इन्हें उबाल लिया था और छील के रखे थे मैंने इसे, मतलब ठंडे कर लिए थे अच्छे, और अभी मैं इन्हें कट कर रही हूँ बड़े बड़े पीस में। तो आप जैसे छोटे बड़े एकदम छोटे करेंगे तो ये बहुत नरम है, उबलने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये पूरे वो हो जाएंगे, मसल देंगे हम तो, मतलब जो भी रेसिपी बना रहे हैं ना उसमें ये फिर एकदम आटे जैसे हो जाएंगे, इसलिए इन्हें थोड़े बड़े पीस में ही कट करना है। तो मैंने ऐसे कट कर लिए हैं इन्हें, और चलिए बनाते हैं अभी इसे। तो मैंने कढ़ाई रख दी है एक गैस पे और गैस चालू कर दिया, उसमें मैंने एक बड़ी चम्मच भर के सरसों का तेल डाला है मैंने, और 2 चम्मच में इसमें राई डाल रही हूँ, साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें हींग, और ये दोनों अच्छे से हो जाए, हींग भी इसकी खुशबू तेल में अच्छे से चली जाए और तो राई चटक जाए। उसके बाद डालना है इसमें हरी मिर्ची, तो 2 हरी मिर्ची को मैंने कट कर लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ प्याज, तो ये 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए थे और उन्हें भी कट करके इसमें डाल दिया है, और अच्छे से इसे भूनना है। हरी मिर्ची और ये जो प्याज हमने डाले हैं ना ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें भुनना है, और ये तेल में इनका जो भी स्वाद रहेगा ना वो इसमें अच्छे से घुल जाना चाहिए, इतना हमें इन्हें भुनना है। तो देखिए मैंने इन्हें भुन लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, तो तीखे के लिए मैं 2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाल दी है, और साथ ही डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर इसमें। और ये मसाले को भी हमको सेकना है, अच्छे से भून लेना है, इसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाए तब तक हमें इन मसालों को सेकना है, बस जले नहीं इतना ही ध्यान रखना है। सारा अच्छे से हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी आलू जो हमने कट करके रखे थे ना, वो आलू इसमें डाल देने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें तेल आप ज़्यादा लीजिएगा, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद अनुसार नमक, तो नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि नमक ज़्यादा क्यों डालना है। तो अभी नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, और पूरा मसाला ये आलू में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, मतलब कोटिंग हो जानी चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस, तो ये 2 नींबू का रस है फ्रेंड्स, तो ये चटपटा खट्टा जो ये आलू का मसाला है ये बन के हमारा रेडी है। तो नींबू का रस डाला है इसलिए मैंने आपको बोला था कि नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, नींबू खट्टा रहता है इसलिए नमक तो ज़्यादा लगेगा ही उसमें। तो ये हमारा आलू का मसाला, आप इसे अचार बोलिए, आलू का अचार बोलिए, या फिर आपको जो बोलना है आप इसे नाम दे सकते हैं। तो ये बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, और आप इसे ना कभी सफ़र में हम जाते हैं तो जैसे कोई सब्जी लेके जाते हैं तो कभी कभी वो ख़राब भी हो जाती है, आप इसे लेके जाइएगा तो एक रात तो ये आराम से मतलब बिना फ्रिज के भी रह सकती है। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो 10 से 12 दिन ये रहती है एयर टाइट डब्बे में, आप इसे पैक करके रख दीजिएगा। और इसमें तेल ज़्यादा लगेगा और नींबू का रस भी इसमें ज़्यादा डालना है आपको, ताकि ये जल्दी ख़राब नहीं हो, बहुत ही चटपटी बनती है। जैसे कभी कोई मेहमान आ गया है या फिर हमने सब्जी या दाल बनाई है बहुत कम पड़ जाती, कभी कभी ऐसा होता है रेयर कि बहुत कम हो गई है सब्जी, तो आप ये बना के रख सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। मेरी मम्मी ना कभी भी कहीं कुछ खाती थी और उसे कुछ अच्छा लगता था, जैसे बाहर कभी कुछ खाया है और उसे अच्छा लगता था ना, वो घर पे आके ट्राई करती थी, और ट्राई नहीं करती थी वो सेम टू सेम वैसा ही बनाती थी, इसलिए मुझे भी आदत है कुछ न कुछ चटपटा अलग सा बनाने की। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी मैंने बनाई है, ये आप लोगों को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप इसका लोंजी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी मिक्स कर सकते हैं और इसकी लोंजी भी बन जाएगी। थोड़ा सा मसाला इसमें ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, जैसे ये जो हमने मसाले डाले ना मिर्ची वगैरह, मिर्ची आप तीखी वाली नहीं डाल के थोड़ी कम तीखी वाली या माइल्ड रहती है वो भी आप डाल सकते हैं इसमें।
सब मसाले थोड़े थोड़े ज़्यादा कर देना है फ्रेंड्स इसका। तो फ्रेंड्स मैं तो ये बना के रख लेती हूँ, कभी भी अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं या फिर घर में कुछ सब्जी नहीं है तो ये हम इसके साथ सादी रोटी भी खाएंगे ना, वो भी बहुत ही टेस्ट देने लग जाती है इसके साथ। तो फ्रेंड्स मैं तो ज़्यादातर कुछ न कुछ नया ही लाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए, तो सपोर्ट कीजिएगा। तो कल फिर आती हूँ कुछ और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।